नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से चैनल हैं जो इस बार इस ई नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको ये खबर तो मिल चुकी है कि ई ऑक्शन होने जा रही है, नीलामी होने जा रही है। 54 नीलामी जो 54वीं नीलामी है वो 9 अगस्त को होने जा रही है। MPG2 बॉक्स के लिए, यानी कि MPG2 यूज़र के लिए ये नीलामी होने जा रही है। और यहाँ पर फिलहाल अभी 6 स्लॉट खाली पड़े हैं। वही 6 स्लॉट है जो आपको देखने को मिल रहा है, बहुत लंबे समय से ये 6 स्लॉट खाली पड़े हैं। और 31 मार्च के बाद यहाँ पर कोई भी ई ऑप्शन की प्रक्रिया नहीं शुरू कराएगी। ये बहुत लंबे समय के बाद, यानी कि ये 4 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है कोई भी नीलामी हुए हुए 4 महीने से ज़्यादा समय के बाद ये नीलामी होने जा रही है। और इस नीलामी में 6 चैनल हमें नए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चैनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार 6 नए चैनल मिलने की, पूरे के पूरे 6 चैनल हमें नए मिल जाएंगे। पर ये भी देखना होगा कि कौन कौन से चैनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुबह से जैसे हमने वीडियो डाली, कल सुबह जैसे हमने दोपहर में वीडियो डाली, तो वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे स्टार भारत और स्टार स्पोर्ट फर्स्ट को लेकर। तो हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी चैनल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है और हमें इस बार देखने को मिल सकता है। हम बात करते हैं स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट और स्टार भारत पर। यहाँ पर स्टार स्पोर्ट फर्स्ट और स्टार भारत का ऐसा है कि ये चैनल अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अपना स्लॉट भी जीत जाएंगे। जी हाँ, ये अपना स्लॉट जरूर जीतेंगे, पर अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि ये पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इसके अलावा एक और चैनल है ग्वारे टीवी पर, भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। जी हाँ, ग्वारे टीवी इस बार पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट जो चैनल करेंगे वो तो तकरीबन 10 से लेकर 15 चैनल हो सकते हैं, पर जीतेंगे स्लॉट सिर्फ 6 ही। उनमें बाल मतलब कि ये भी हो सकता है ग्वारे चैनल भी। इसके अलावा 3 चैनल और हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो है ईटीवी, बाल भारत। बाल भारत भी इस बार देखने को मिल सकता है हमें। इशारा टीवी भी अपना स्लॉट जीत सकता है, इस बार पार्टिसिपेट कर सकता है डीडी फ्री डिश पर, क्योंकि वहां पर भी इनके पास भी इतनी ज़्यादा मतलब कि TRP इनको नहीं मिल रही है, उसके लिए ये डीडी फ्री डिश पर ट्राई कर सकते हैं एक बार। इन्होंने पिछली बार तो साफ कर दिया था कि डीडी फ्री डिश पर आने का कोई भी हमारा इरादा नहीं है, पर हो सकता है इस बार ये पार्टिसिपेट कर जाए। इसके अलावा एक चैनल और है भोजपुरी का भी है, एंटरटेनर रंगीला भी इस बार इस नीलामी में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि ये लॉन्च करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है डीडी फ्री डिश। और यहाँ पर एंटरटेन वालों का भी एक चैनल आ सकता है। एंटरटेन के वैसे भी हमें दो तीन चैनल देखने को पहले ही मिल रहे हैं, एक चैनल और भी मिल सकता है। इसके अलावा B4U भी पीछे नहीं हटेगा, ये भी अपने और चैनल लाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यहाँ पर और ला सकता है एक B4U प्लस। ये पिछले एक साल से ट्राई कर रहा था, मतलब कि ये पिछले साल ही लॉन्च किया गया था, और उसके बाद इसने कोशिश पिछली बार भी की थी हिस्सा लेने की, पर उस बार ये स्लॉट नहीं जीत सका। तो इस बार भी ये कोशिश कर सकता है B4U प्लस, ये म्यूजिक का चैनल है, ये भी इस बार ट्राई कर सकता है। और एक चैनल और है, वो है आप सबको मालूम है महापंजाबी मूवी। ये एक महापंजाबी मूवी का चैनल था जो पंजाबी का पहले हमारे पास था, और ये पिछली बार 31 मार्च को ये ऑक्शन हुई थी, उसमें जिसने इसको स्लॉट नहीं मिल पाया था किन्हीं कारण के कारण, और इस बार फिर से नीलामी में हिस्सा लेकर अपना स्लॉट जीतने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। हमें उम्मीद ये है कि नए चैनल जहां पर पार्टिसिपेट कम करें, और जो पुराने चैनल चल रहे हैं पहले से ही, वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएंगे, क्योंकि यहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है मूवीज़ के चैनल का, एंटरटेनमेंट के चैनल का, न्यूज़ के चैनल का भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस बार देखते हैं 9 तारीख को कौन कौन से चैनल पार्टिसिपेट लेकर हमें देखने को मिलेंगे, जो चैनल अपना स्लॉट जीतेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।